सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिसेस, सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिसेस। अगर आपके पास कोई दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग सिमिलर कब बोलेंगे? तो सपोज हमारे पास लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, आर टू मैट्रिसेस, ओके, और ये दोनों ही एन क्रॉस एन की मैट्रिसेस हैं, मीन्स सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, तभी हम सिमिलैरिटी की बात करेंगे। तो हम बोलेंगे कि ए एंड बी आर सिमिलर इफ देर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर, देर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी सच दैट ए इक्वल टू पी इनवर्स बी पी, या फिर बी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी। अगर आपके पास में कोई एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी ऐसी एग्जिस्ट कर जाती है सच दैट आप ए इक्वल टू पी इनवर्स बी पी लिख सकते हैं, या फिर बी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी लिख देते हैं, तो आपकी ये ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स ये दोनों सिमिलर हो जाते हैं, और इनको हम इस टाइप से डिनोट कर देते हैं, ए जो है वो बी के सिमिलर है। इसका मतलब आपके पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है सच दैट ए इक्वल टू पी इनवर्स बी पी हो रहा है। ओके, तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अब एक कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं, तो अगर जैसे दो मैट्रिसेस सिमिलर हैं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो ए में होगी तो बी में भी होगी, है ना? तो आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं सिमिलर मैट्रिसेस की, सम प्रॉपर्टीज। तो इसमें सबसे पहले आता है कि हम मान के चल रहे हैं कि ए जो है वो बी के सिमिलर है, और इसके बाद में हम देख रहे हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको शेयर करते हैं ये लोग। तो सबसे पहले आपका आता है कि अगर ए और बी दोनों सिमिलर हैं तो कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है दोनों का, सी एच का मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और ए और बी का मतलब है ए और बी की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, वो सेम होता है। नेक्स्ट, इनका मिनिमल पॉलिनोमियल भी सेम होता है अगर आपका दोनों मैट्रिसेस सिमिलर हैं तो। और अगर कैरेक्टरिस्टिक सेम हो रहा है तो इनका जो आइगन वैल्यू है वो भी सेम होगा, ठीक है? आइगन वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू आइगन वैल्यू ऑफ बी। फिर आपका आता है कि आइगन वैल्यू सेम है तो ट्रेस भी सेम होगा इनका, क्योंकि ट्रेस हमारा क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, और डिटरमिनेंट भी सेम हो जाएगा क्योंकि डिटरमिनेंट आपका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है? नेक्स्ट है आपका कि रैंक भी सेम होती है। तो अगर आपके पास में दो सिमिलर मैट्रिसेस हैं तो उनका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल, आइगन वैल्यूज, ट्रेस, डिटरमिनेंट और रैंक ये आपकी सेम होती है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू मीन्स अगर किसी दो मैट्रिसेस की रैंक सेम हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों आपकी सिमिलर मैट्रिसेस हो जाएंगी, या फिर किसी की आइगन वैल्यू सेम हो रही है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि आपकी जो मैट्रिसेस हैं वो सिमिलर होंगी, ठीक है? तो अगर सिमिलर है तो ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं, बट अगर इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आपकी जो मैट्रिसेस हैं वो सिमिलर होंगी, ठीक है? सो नेक्स्ट है बाइलिनियर फॉर्म, बाइलिनियर फॉर्म। तो बाइलिनियर फॉर्म आपका कुछ नहीं होता है, एक मैपिंग होती है। सपोज मैं इसको बी से नाम दे रही हूं, वी क्रॉस वी से एफ पे, जहां पे वी आपका वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, ठीक है? ये आपका वेक्टर स्पेस है। तो अगर वी वेक्टर स्पेस है तो वी क्रॉस वी से एफ पे एक मैपिंग होती है, और ये मैपिंग कैसी होती है, ये दोनों आर्गुमेंट्स में
लीनियर होती है। दोनों आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है अगर मैं बी को मैं ऑपरेट कर रही हूं, अब वी क्रॉस वी है तो यहाँ पे आपके पास एलिमेंट किस टाइप के आएंगे, यू कोमा वी टाइप के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट मतलब एक टपल और सेकेंड टपल। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ फंक्शन होगा समथिंग, ये जो भी आप मैपिंग डिफाइन करेंगे और ये आपका फील्ड में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब ये जो बी ऑफ यू कोमा वी है ये सर्टेन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, तब हम इसको बोलेंगे बाइलिनियर फॉर्म। तो वो प्रॉपर्टी क्या है, लीनियरिटी इन ईच आर्ग्यूमेंट, मीन्स फर्स्ट टपल में भी लीनियर होना चाहिए और सेकेंड टपल में भी लीनियर होना चाहिए। मीन्स अगर मैं बी ऑफ अल्फा टाइम्स यू प्लस बीटा टाइम्स वी, सॉरी इसको यू वन यू टू ही नाम देते हैं, कोमा वी लिख रही हूं, तो ये आपका होना चाहिए अल्फा टाइम्स बी ऑफ यू वन कोमा वी प्लस बीटा टाइम्स बी ऑफ यू टू कोमा वी। लीनियरिटी हम लोग कैसे देख रहे थे, अगर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी बेसिकली आपका एक मैपिंग था, तो इसमें हम टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, इसको हम लिख रहे थे अल्फा ऑफ टी एक्स प्लस बीटा ऑफ टी वाई, इसी टाइप से लीनियरिटी की बात कर रहे थे। अब यहां में हम फर्स्ट टपल पे लीनियरिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर लीनियरिटी की बात कर रहे हैं मतलब अल्फा टाइम्स बी ऑफ यू वन कोमा वी प्लस बीटा टाइम्स बी ऑफ यू यू टू कोमा वी, ये आपका सेम होना चाहिए। तो ये तो आपकी बात होगी लीनियरिटी इन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट या फर्स्ट टपल। नेक्स्ट हमने कहा कि दोनों में होना चाहिए, तो सेकेंड में हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे वी को हम लोग सपोज एक्स टाइम्स वी वन प्लस वाई टाइम्स वी टू है ना, तो ये आपका इक्वल होना चाहिए एक्स टाइम्स बी ऑफ यू कोमा वी वन प्लस वाई टाइम्स बी ऑफ यू कोमा वी टू, राइट। तो अगर दोनों टपल्स में आपका लीनियर हो रहा है ये मैपिंग, तो इस मैपिंग को हम बोल देते हैं कि ये बाइलीनियर फॉर्म है आपकी। ठीक है, और कुछ नहीं होता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम v से f में लेते हैं, बट बाइलीनियर फॉर्म में v क्रॉस v से f में लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे बाई लगा हुआ है, मीन्स दोनों आर्ग्यूमेंट्स में आपका ये लीनियर होता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें आता है कि ओके हमारे पास बाइलीनियर फॉर्म है तो ये सिमेट्रिक कब होगा। ठीक है, सिमेट्रिक बाइलीनियर फॉर्म, सिमेट्रिक बाइलीनियर फॉर्म, तो किसी बाइलीनियर फॉर्म को हम सिमेट्रिक कब बोलेंगे, जब आपका बी ऑफ यू कोमा डब्ल्यू इज इक्वल टू बी ऑफ डब्ल्यू कोमा यू हो जाए। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं सिमेट्रिक बाइलीनियर फॉर्म। नेक्स्ट आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म आपका बेसिकली ज्यादा कुछ होता नहीं है, एक मैपिंग होता है, सपोज आपने कुछ क्यू ले लिया है ना वी से एफ में। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पे एक पॉलिनोमियल टाइप का होता है, एक बेसिकली पॉलिनोमियल होता है जिसमें जो डिग्री है हर एक उस इसमें जो भी आप बोल सकते हैं कि जो भी आपका पॉलिनोमियल में जो भी एक मेंबर होता है हर एक की अगर डिग्री टू हो जाती है तो वो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसको आप क्यू ऑफ वी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये वी ट्रांसपोज ए वी होता है, अगर इन जनरल हम लोग देखें यहाँ पे वी आपका कोई भी वेक्टर हो सकता है, ये एन टपल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और वैसे अगर आप लोग देखें तो अगर हम लोग एक वेरिएबल में लिखें तो क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर, अगर हम दो वेरिएबल्स में देखें मीन्स ये जो v है यहाँ पे एक ही एलिमेंट था, अब v आपका टू टपल भी हो सकता है, अगर आप R2 से बात करें तो उसमें टू टपल टाइप के एलिमेंट आएंगे, तो इस केस में आपका हो जाएगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस सी एक्स इंटू वाई। ठीक है,
इसी टाइप से अगर आप तीन टपल में देखेंगे, जैसे क्यू ऑफ एक्स वाई जेड, तो ये आपका हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस में डी एक्स वाई ई एक्स जेड प्लस एफ वाई जेड। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इसमें एक्स की पावर टू हो रही है, इसमें एक्स और वाई की पावर टू हो रही है, और यहां पे भी एक एक्स का और एक वाई का डिग्री यहां पे टू हो रही है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया इन टू वेरिएबल। थर्ड आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया थ्री वेरिएबल। ऐसे ही हम लोग एन वेरिएबल में क्वाड्रेटिक फॉर्म डिफाइन कर सकते हैं। तो उसका जो जनरल फॉर्मेट है वो आपका क्या हो जाएगा, क्यू ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स एन, ठीक है, इस टाइप से हम इसको लिखेंगे। और इसको आप ए वन एक्स वन स्क्वेयर इस टाइप से लिख सकते हैं, ए टू टू एक्स टू स्क्वेयर, है ना, ये आपका ए एन एन एक्स एन का स्क्वेयर प्लस, अब अगर एक्स वन और एक्स टू आएगा तो इसको मैं ए वन टू नाम दे रही हूँ। इसी टाइप से ए वन थ्री एक्स वन एक्स थ्री का, क्योंकि एक्स वन का एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स एन आएगा, फिर एक्स टू का एक्स वन एक्स थ्री अप टू एक्स एन, इस टाइप से आपका कॉम्बिनेशन आएगा और ये चलता रहेगा, लास्ट में आपका आ जाएगा ये एन ले सकते हैं हम, एन एन माइनस वन एक्स एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है, इस टाइप से आपका हो जाएगा। अगर इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, अगर इनको हम मैट्रिक्स के कोफिशियंट्स, तो ये आपका ए एक्स ट्रांसपोज ए एक्स टाइप का हो जाता है, ठीक है, जहां पे ए आपका ये कोफिशियंट्स का मैट्रिक्स है और एक्स आपका कोई भी वेक्टर है जिस वेक्टर स्पेस की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ओके, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया। अब यहां से हम लोग मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, कोई भी जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म दे दिया हमें, सपोज क्यू ऑफ एक्स को मा वाई की हम बात करें, और हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे फाइव एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स वाई प्लस सिक्स वाई स्क्वेयर, ये अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म दे दिया, ठीक है, अब इसको हम लोग इसका मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, टू का है तो टू क्रॉस टू मैट्रिक्स बनेगी, जितने वेरिएबल्स की आप बात करेंगे। अब ये जो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, इसके जो कोफिशियंट्स हैं उनको हम लोग डायगोनल बना देते हैं, तो ये डायगोनल पे इनके कोफिशियंट्स लिख दिए फाइव और सिक्स। अब ये जो एक्स वाई है, तो आप अगर देखेंगे तो अगर मैं इधर एक्स वाई और एक्स वाई लिखूं, तो ये जो कोफिशियंट है वो एक्स इंटू एक्स का कोफिशियंट है, और ये कोफिशियंट आपका है एक्स इंटू वाई का, और ये कोफिशियंट है वाई इंटू एक्स का, इसका मतलब इसका हाफ हाफ करके हम लोग जहां पे एक्स वाई का कोफिशियंट है वहां पे लिख देंगे, ठीक है, और कुछ नहीं करना। अगर थ्री क्रॉस थ्री का बात करेगा तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर वालों को हम लोग डायगोनल बना देंगे, उसके बाद आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे डायगोनल आ गया, यहाँ पे डायगोनल, यहाँ पे डायगोनल। अब जो एक्स वाई का कोफिशियंट होगा तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, तो जो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी होगी उसके जो एक्स वाई का कोफिशियंट होगा उसको आपको क्या कर देना है, हाफ हाफ करके यहाँ पे लिख देना है। सिमिलरली एक्स जेड का होगा उसको इधर हाफ और यहाँ पे आप, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका बनता है, राइट। तो ऐसे करके आपको इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखना है। ओके, तो ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया। नेक्स्ट आता है कि ठीक है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो क्या ये आइसोमोर्फिक भी हो सकता है, है ना, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे मैट्रिसेस का सेम क्वाड्रेटिक फॉर्म आपका हो रहा हो, तो हम उसको कब आइसोमोर्फिक बोलेंगे। ओके, तो आपका कोई भी दो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म आर आइसोमोर्फिक इफ, तो आइसोमोर्फिक की बात ओवर रियल नंबर और ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कि अगर आप फिल रियल नंबर ले रहे हैं तब किस केस में आइसोमोर्फिक होगे और कॉम्प्लेक्स पे किस केस में। तो अगर रियल नंबर पे आप बात कर रहे हैं
तो अगर आपकी जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है इसकी जो रैंक है वो सेम होनी चाहिए, रैंक एंड सिग्नेचर जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। और अगर सिर्फ कॉम्प्लेक्स पे बात कर रहे हैं तो आपकी रैंक सेम होनी चाहिए। तो अगर कोई दो क्वाड्रेटिक फॉर्म है आपकी, तो रियल नंबर पे अगर उनका रैंक और सिग्नेचर सेम है तो बोल देने कि वो दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म आपकी आइसोमॉर्फिक है। और अगर कॉम्प्लेक्स पे बात करेंगे तो अगर उनका रैंक सेम है तो हम उनको आइसोमॉर्फिक बोल देंगे। अब यहाँ पे सिग्नेचर की बात आती है कि सिग्नेचर क्या होता है, तो सिग्नेचर कुछ नहीं होता है, सिग्नेचर आपका डिफाइन होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू, ठीक है। पॉजिटिव आइगन वैल्यूज कितनी है आपके पास में और नेगेटिव कितनी है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही आपका सिग्नेचर होता है, ठीक है। तो ये आपकी थी दो क्वाड्रेटिक फॉर्म की कि हम उन लोगों उनको आइसोमॉर्फिक कब बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आता है वो आता है डेफिनेट मैट्रिसेस। पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है या सेमी पॉजिटिव है सेमी नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेफिनेट डेफिनेट फॉर्म, ओके। सो सपोज आपके पास में एक मैट्रिक्स है ए, ए आई जे एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव डेफिनेट इफ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा वो आपका हो जाएगा एक्स ट्रांसपोज ए एक्स। अगर ये आपका पॉजिटिव हो फॉर ऑल एक्स, और ये एक्स आपके क्या है नॉन जीरो, अगर सारे नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए आपका एक्स ट्रांसपोज ए एक्स पॉजिटिव हो जाता है तो इस मैट्रिक्स को हम बोल देंगे पॉजिटिव डेफिनेट। अगर आपका ये एक्स ट्रांसपोज ए एक्स जो है वो आपका नेगेटिव हो जाता है फॉर ऑल नॉन जीरो वेक्टर्स तो इसको हम बोल देंगे पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव डेफिनेट, ठीक है। अब किसी केस में हमारे पास ये जो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी आ सकता है, मीन्स एक्स ट्रांसपोज ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल नॉन जीरो एक्स, उस केस में हम बोल देते हैं इसको पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, ठीक है। सिमिलरली अगर ये लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाता है तो उसको हम नेगेटिव सेमी डेफिनेट बोल देते हैं फॉर ऑल एक्स नॉन जीरो के लिए। और इसमें से कोई भी केस ना हो, मतलब आपके पास में कुछ के लिए पॉजिटिव आ रहा है कुछ के लिए नेगेटिव आ रहा है, तब उसको हम इनडेफिनेट फॉर्म बोल देते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका कोई भी मैट्रिक्स है उसको पॉजिटिव आप पॉजिटिव या नेगेटिव सेमी पॉजिटिव या सेमी नेगेटिव बोलेंगे इन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। और एक होता है कि आइगन वैल्यूज से भी आप बता सकते हैं कि कोई जो मैट्रिक्स है आपकी वो पॉजिटिव डेफिनेट कब होगी नेगेटिव डेफिनेट कब होगी, ठीक है। आपका एक रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म, ए रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म एक्स ट्रांसपोज ए एक्स है, ठीक है। तो आपका ये पॉजिटिव डेफिनेट होगी इफ एंड ओनली इफ इसके सारे आइगन वैल्यूज आपके पॉजिटिव होने चाहिए, ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव। नेगेटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ ऑल आइगन वैल्यूज आर नेगेटिव, ठीक है। और पॉजिटिव सेमी डेफिनेट कब बोलेंगे हम लोग, अगर आपके पास में जो आइगन वैल्यूज हैं उसमें से कम एटलीस्ट वन आपकी आइगन वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए। पॉजिटिव तो होंगी ही होंगी सारे आइगन वैल्यूज, पर कम से कम एक भी अगर आपके पास में जीरो आइगन वैल्यूज होते तो उसको हम पॉजिटिव सेमी डेफिनेट बोल देते हैं। और नेगेटिव सेमी डेफिनेट कब बोल देंगे,
सारे आइगन वैल्यूज नेगेटिव हैं, बट एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू आपके पास में जीरो हो जाए, तब उसको हम बोल देंगे नेगेटिव सेमी डेफिनेट। और अगर आपके पास में पॉजिटिव भी आ रही हैं, नेगेटिव भी आ रही हैं, तो उसको हम बोल देते हैं इनडेफिनेट। इनडेफिनेट फॉर्म, ठीक है। ओके, एक और आपका आता है इसमें डिटरमिनेंट से हम लोग बता सकते हैं कि आपका जो मैट्रिक्स है वो पॉजिटिव डेफिनेट है या नेगेटिव डेफिनेट है, ठीक है। ओके, सो सपोज आपके पास में एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिव डेफिनेट है। कब? अगर आपके सारे डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए आई पॉजिटिव हो, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। अब यहाँ पे ए आई का क्या मतलब है? सपोज आपके पास में ये एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसको हम ए वन वन ए वन टू इस टाइप से लिख सकते हैं, ए वन एन टू वन टू 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 एन, ऐसे करके हम लोग एक इन जनरल हम लोग मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं ए एन एन, ठीक है। तो ए वन का मतलब है आपका ये वाला मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट। फिर ए टू का मतलब है आपका ये जो ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू, इससे जो मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है इसका डिटरमिनेंट। ए थ्री का मतलब हो जाएगा ए वन टू ए वन ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री, ये वाला जो थ्री क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स बनेगा इसका डिटरमिनेंट, ठीक है। इनको हम प्रिंसिपल माइनर्स भी बोलते हैं। तो अगर ये सारे आपके पॉजिटिव आ जाते हैं तो उसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, ओके। और इसमें अगर आपका ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाता है तब उसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, ठीक है। तो अगर आपके सारे डिटरमिनेंट्स, आपके जो प्रिंसिपल माइनर्स हैं, ये सारे पॉजिटिव आ जाएंगे तो हम पॉजिटिव डेफिनेट बोलेंगे। इनमें से एटलीस्ट वन जीरो आ जाएगा तो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट बोल देंगे। और अगर आपके ये सारे ऑल्टरनेट में आते हैं, ऑल्टरनेट में मतलब अगर ए आई आई से जो आपका हो रहा है ये आपका नेगेटिव आए, फिर जो दूसरा ए टू है इसका डिटरमिनेंट पॉजिटिव आए, फिर जो थर्ड है इसका नेगेटिव आए, मतलब ऐसे अगर ऑल्टरनेट आ रहे हैं तब उसको हम बोल देते हैं नेगेटिव डेफिनेट। बट शुरुआत कहाँ से होगी? नेगेटिव से। ऑल्टरनेट का मतलब ये नहीं कि पहले पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, जो भी आ गया, नहीं, आपका जो फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर होगा वो आपका नेगेटिव होना चाहिए, फिर आपका पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे ऑल्टरनेट साइन आ रहा है तब उसको हम बोल देते हैं नेगेटिव डेफिनेट, ठीक है। और अगर ये लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाता है तो उसको हम बोल देते हैं नेगेटिव सेमी डेफिनेट, ठीक है। तो ये हमने तीन फॉर्म में देख लिया कि आपके पास में कोई मैट्रिक्स है तो उसको हम पॉजिटिव डेफिनेट कब बोलेंगे, आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग, और वैसे मैट्रिक्स दे रखा है तो, और अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखा है तब, क्योंकि आपसे कोई भी तरीके से पूछ सकता है, सो हमें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। तो ये आपका था कि क्वाड्रेटिक फॉर्म और उससे रिलेटेड जो डेफिनेट मैट्रिसेस थी, पॉजिटिव सेमी पॉजिटिव नेगेटिव सेमी नेगेटिव। सो नेक्स्ट है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। आपके पास में एक मैट्रिक्स दे रखा है तो उसका हम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कुछ नहीं होता है, सिंपली आप एक आपका एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जिसमें आपके जॉर्डन ब्लॉक्स होते हैं। जैसे ये मैंने एक जॉर्डन ब्लॉक लिख दिया, ये दूसरा जॉर्डन ब्लॉक लिख दिया, ठीक है, इस टाइप से जॉर्डन ब्लॉक्स हो गए और बाकी मैट्रिक्स आपकी जीरो होगी। अब यहाँ पे जे के वन का मतलब है कि के वन ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक है, के टू का मतलब है
के टू ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक है, इस टाइप से किस ऑर्डर के जॉर्डन ब्लॉक्स आ रहे हैं उस टाइप से आपका ये मैट्रिक्स फॉर्म होगा। अब देख हम ये देखते हैं कि ठीक है के वन ऑर्डर का आपको जॉर्डन ब्लॉक लिखेंगे कैसे। तो हम वन से शुरू करते हैं अगर आपके पास में वन ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक है, और ये जॉर्डन ब्लॉक्स आपके कॉरेस्पॉन्डिंग टू इन आइगन वैल्यूज लिखे जाते हैं। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पे लेमडा के कॉरेस्पॉन्डिंग देख रही हूँ, तो लेमडा के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपको वन क्रॉस वन ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक लिखना है तो सिर्फ ये आ जाएगा आपके पास में, सिर्फ हम आइगन वैल्यूज लिख देंगे। ठीक है, फिर टू क्रॉस टू में आपका डायगनल पे लैम्डा और सुपर डायगनल पे वन और बाकी जीरो, ये आपका टू क्रॉस टू का जॉर्डन ब्लॉक हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस लैम्डा। फिर इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर तीन क्रॉस तीन का जॉर्डन ब्लॉक देखना है तो कोई भी जॉर्डन ब्लॉक देखना हो डायगनल पे आप पहले आइगन वैल्यू लिख दो और उसके सुपर जो डायगनल है उस पे वन, ठीक है, और बाकी जगह जीरो। ये आपका एक जनरल जो जॉर्डन ब्लॉक होता है उसका फॉर्मेट होता है। तो अगर मैं जे एन की बात करूं, ठीक है, तो ये किस टाइप का आपका हो जाएगा एन क्रॉस एन का। तो हमें क्या करना है, जिस लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं उस लैम्डा को डायगनल पे लिखो, इसका सुपर डायगनल, ठीक है, सुपर डायगनल मतलब होता है जो डायगनल से जस्ट ऊपर वाला जो डायगनल होता है वहां पे आपको करना है वन वन और बाकी पे जीरो फिल कर देना है। ये आपका एक इन जनरल जो जॉर्डन ब्लॉक होता है एन क्रॉस एन का वो आपका होता है। ठीक है, तो ये तो था कि हम जॉर्डन ब्लॉक्स कैसे लिखेंगे। अब अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे रखा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे हम लोग जॉर्डन फॉर्म लिखेंगे। सो सपोज आपके पास में एक मैट्रिक्स दे दिया है ए, ओके, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। तो इसको सपोज मैं एक्स माइनस लैम्डा वन टू द पावर कुछ के वन आएगा, एक्स माइनस लैम्डा टू द पावर कुछ के टू आएगा। इसी टाइप से किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टर कर पाएंगे जहां पे लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा एन जो है आपकी आइगन वैल्यूज है। फिर आपका इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिनिमल पॉलिनोमियल भी आपका एक आएगा, मतलब हम लोग लिख सकते हैं। तो इसमें आपका इसी टाइप से आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग का जो फैक्टर है वो तो होगा ही। अब यहाँ पे इसके जो पावर है वो आपके इससे मतलब छोटे भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। यहाँ पे सपोज मैंने एम वन एम टू इस टाइप से लिख दिया है एम एन, और यहाँ पे आपके जो एम आई है वो लेस देन इक्वल टू के आई होगा, ओके। तो इस ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये मिनिमल हो गया। अब आपका जो जॉर्डन फॉर्म होता है उसमें और इनमें क्या रिलेशन होता है, आपका जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी आइगन वैल्यू, ठीक है, तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग सपोज लेमडा आई की मैं बात कर रही हूं, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, सम ऑफ साइजेस ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स। अब इसका क्या मतलब है, सपोज आपके पास लैम्डा वन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वन ऑर्डर का एग्जिस्ट कर रहा है, एक टू ऑर्डर का एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पे ये वन ऑर्डर का ये टू ऑर्डर का, तो इन ऑर्डर का सम कितना हुआ थ्री, तो ये थ्री जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, उस आइगन वैल्यू की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी की। तो आपका जो सम ऑफ साइजेस ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स है वो आपका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट आपका कितने जॉर्डन ब्लॉक्स होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा आई, ये आपको कौन बताता है, जीएम कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट लैम्डा आई। तो आपका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जितना होगा उतने आपके पास में नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स होंगे। जैसे यहाँ पे अगर आपके पास में एक और दो दो जॉर्डन ब्लॉक्स हो गए तो यहाँ पे इसकी जो लैम्डा आई की जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी वो आपकी टू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक और चीज आता है, आपका जो मिनिमल पॉलिनोमियल में जो पावर आता है, जैसे सपोज लैम्डा वन के कोरस्पॉन्डिंग मेरा पावर आ रहा है
M1, ठीक है। तो आपके पास में जो जॉर्डन ब्लॉक्स होंगे उसका जो मैक्सिमम साइज होगा वो आपका, अगर मैं लेमडा वन की कोरिस्पोंडिंग बात करूं तो M1 होगा। इससे बड़े साइज का आपके पास में जॉर्डन ब्लॉक्स नहीं एग्जिस्ट कर सकता है, राइट। तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल में आपके जिस आइगन वैल्यू की आप बात कर रहे हैं उसके कोरस्पोंडिंग जो फैक्टर आ रहा है उसकी जितनी पावर आ रही है वो आपके जॉर्डन ब्लॉक का मैक्सिमम साइज होगा। मीन्स अगर आपके पास में इस साइज के अलावा कोई और भी जॉर्डन ब्लॉक एग्जिस्ट करेंगे तो उनका साइज या तो M1 होगा या M1 से छोटा होगा, बट M1 से एक्सीड नहीं कर सकता है। तो इन्हीं जो तीन जो चीजें हैं, AM, GM और आपका जो मिनिमल पॉलिनोमियल के जो फैक्टर आ रहा है उसकी पावर, इन तीन चीजों को ध्यान में रख के ही हम लोग किसी भी जो मैट्रिक्स होता है उसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। तो आपका जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो आपके जॉर्डन ब्लॉक्स के जो साइजेस हैं उनके सम के इक्वल। फिर आपके जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो आपका होना चाहिए नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स के इक्वल। और जो मिनिमल पॉलिनोमियल में उस पर्टिकुलर आइगन वैल्यू का जो फैक्टर है उसकी जो पावर आ रही है उससे बड़े ऑर्डर का आपके पास में कोई भी जॉर्डन ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। बस यही तीन बातें ध्यान में रखनी होती किसी भी जॉर्डन फॉर्म को लिखने के लिए। ओके, ये क्वेश्चन करिए आप लोग एक बार। यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे नीचे में वन आ रहा है। तो जैसे हमने जो फॉर्मेट बताया था कि डायगोनल पे आपको आइगन वैल्यू लिख देना है और फिर सुपर डायगोनल पे वन लिख रहे हैं, तो ये आपका सब डायगोनल पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो आपको जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे उस हिसाब से आपको करना है, बट या तो सुपर पे या फिर सब डायगोनल पे, इसके अलावा कहीं पे वन नहीं होगा। सो इसका एक बार सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे एक आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया है जिसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है और मिनिमल पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कितना होगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग ये तो देख सकते हैं कि आपका आइगन वैल्यू 2 है। अब एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 4 है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का हमें पता नहीं है और मिनिमल पॉलिनोमियल जो है उसमें पावर 2 आ रही है। तो अभी हमने जो थ्योरी रिकॉल किया वहां से हम लोग क्या देख सकते हैं कि हमारे पास में एटलीस्ट एक जो जॉर्डन ब्लॉक होगा, एटलीस्ट वन जॉर्डन ब्लॉक, वो किस ऑर्डर का होगा, 2x2 ऑर्डर का, और इससे ज्यादा हमारे पास कोई एग्जिस्ट कर नहीं सकता है, ठीक है। ठीक है, देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास में 2x2 के 2 हो रहे हैं, हो सकता है। सेकेंड में आपके पास में 2x2 का 1 हो रहा है और 1x1 के 2 हो रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल है हमारे पास। थर्ड में कह रहा है कि सारे आपके एक एक ऑर्डर के हैं, तो ये तो आपकी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई क्योंकि हमारे पास एटलीस्ट 2x2 ऑर्डर का एक जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा, तो थर्ड ऑप्शन चला गया। फोर्थ कह रहा है कि ये आपका 3 ऑर्डर का एक जॉर्डन ब्लॉक मिल रहा है, अगर इसको आप देखेंगे तो ये 3 ऑर्डर का मिल रहा है, पर हमारे पास 2 से बड़े ऑर्डर का कोई भी जॉर्डन ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो फोर्थ ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। अब हमारे पास फर्स्ट और 2 बच गया, तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 4 है और एक हमारे पास 2x2 का मिलेगा ही मिलेगा, तो बाकी पॉसिबिलिटी क्या हो गया, या तो एक 2x2 का मिल जाए या फिर 2x2 1x1 का मिल जाएगा। अगर ये मिलेगा तभी 2+2 आपका 4 हो गया, और अगर ये केस मिलेगा तो भी ये आपका 1x1 का मिलेगा, ठीक है। तो 2+1+1=4, इनके ऑर्डर का सम एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल आ गया, तो आपके पास में 2 पॉसिबिलिटी हो गई। तो फर्स्ट वाले केस में आपका 2x2 और 2x2 की बात कर रहा है, तो ये भी हो सकता है, और सेकंड में आपके पास में 1x1 के 2 और एक 2x2 का, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है।